अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए आज भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। भूमि पूजन से पहले 8 आचार्यों ने अनुष्ठान किया। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचकर 12:40:08 पर राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर जाने से पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग जिले के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव बातचीत कर योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी ली। सीएम ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना और गौधन न्याय योजना की राशि का हितग्राहियों के खाते में भुगतान कर दिया है। 1,65,42,000 रुपए का भुगतान गोबर विक्रेताओं के खाते में ऑनलाइन किया गया। इस अवसर पर राम वन गमन पथ प्रस्तुतिकरण का अवलोकन भी करेंगे। रामलला परिसर में भूमि पूजन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सदियों की आस आज पूरी हुई है। देश में आज आनंद का उत्सव का माहौल है। देशवासियों के लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। राम मंदिर निर्माण को लेकर एक लंबा संघर्ष चला है, लेकिन जिस तरह बीते 30 वर्षों का संघर्ष है, उन संघर्षों को याद करने का भी दिन है। राम मंदिर निर्माण के लिए अनेकों नेक लोगों ने बलिदान दिया है। आज उनके बलिदान के कारण यह राम मंदिर बना है। आज हमारा संकल्प पूरा हुआ। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सपरिवार पहुंचे। उन्होंने अयोध्या में आयोजित राम जन्मभूमि भूमि पूजन के उत्सव को रायपुर में भी मनाया। उन्होंने इस मौके पर lalluram.com से विशेष बातचीत में कहा कि यह देश के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद राम मंदिर निर्माण का सपना साकार हुआ है। आज भूमि पूजन के मौके पर पूरा देश राम की भक्ति में सरोबार है। रायपुर स्थित इस राम मंदिर में आज मैं पूजा करने के लिए सपरिवार के साथ पहुंचा हूं। केंद्र सरकार ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई से करने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच करने की सिफारिश की है और केंद्र ने सैद्धांतिक रूप से उसे मान लिया है। रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा कि रिया के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने इसका विरोध किया और कहा कि साक्ष्य को प्रभावित किया जा रहा है। सीबीआई जांच के लिए केंद्र तैयार है तो फिर रिया के ट्रांसफर पिटीशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक टैलेंटेड कलाकार की मौत हुई है। यह मौत अप्राकृतिक है, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। किस परिस्थितियों में मौत हुई है उसकी जांच की दरकार है। जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा पूर्व में दायर की गई याचिका पर बुधवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस आरसीएस सामंत ने वैधानिक उत्तराधिकारी बनाए जाने अमित जोगी और रेणु जोगी की ओर से दाखिल आवेदन पर राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्तों का समय दिया है।